आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता, उसकी ताकत थी, जहां जहां से लड़के आए, कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल, वो बोला कि हम नीतीश जी या जोर साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल, तब पंचायती करने चलेगा जोर साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ, तो नीतीश जी ने जोर साहब को कहा कि खबरदार फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको, तो ये स्थिति है आपकी। अभी आपने शकुनी चौधरी जी को हमारा चाचा, हमारे गफूर साहब है मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग इनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चाचा हैं हमारे, इनका सम्मान है, ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीद दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को, रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार, आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में, मैं जस्ट ओनली फॉर वन मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन सर, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोल, ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं, जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को, अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मौन तैयार किया था, हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को आप लोग नहीं कर सकता है, कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है हमारा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हाँ महोदय माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया, इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं, ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। लालू जी आपको क्या चाहिए, नहीं बैठेगा, प्लीज नहीं बैठेगा, प्लीज सर बहुत दफा आप लोगों ने सुना है, प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर, प्लीज सर हम लोगों ने सुनने कोशिश किया, लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, पावर ब्रोकर्स है, अभी कांग्रेस का साथ में जो रिश्ता नहीं है, सब मिलके बात पाई जी को हटाने चाहते हैं, जो भी मर्जी कर सकता है, लेकिन देश का जनता इसको नहीं क्षमा करेगा।